वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ एवी बॉन्साई। आज आप देख सकते हो मैं अपने साथ अपना पाइकस रेस्मोसा लाया हूँ, जिसकी एज है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल का है ये, और आज के पहले मैंने अपने शो में इसे कभी दिखाया नहीं है। तो आज इसकी प्रूनिंग करनी है, तो आइए क्लोजअप में आपको ये ट्री दिखाता हूँ। गाइज, आप देख सकते हो इसके जो ट्रंक है उसमें कितनी ज़्यादा डिटेल्स हैं। इसमें हेयर्स भी आई हुई है, पहले ये मॉनसून सीजन में ग्रो किया था ये हेयर सारे, तो उसके बाद ड्राई हो गए हैं, तो एज इट इज़ मैंने रख दिए हैं। आप देख सकते हो इसका ट्रंक एकदम ओल्ड बनियान ट्री की तरह लग रहा है, हालांकि इसका ट्रंक अभी ग्रीन कलर का है, धीरे 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 एज होते होते वो ब्राउन हो जाएगा। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात इसकी जो हेयर्स है ड्राई रूट से वो बहुत अच्छी लगी। मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने कट किया था इस ट्री को, और इसके पत्ते नॉर्मल रेस्मोसा से तो छोटे हैं एक्चुअली, सो मुझे ये पेड़ काफ़ी पसंद है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये बॉन्साई ट्री कैसा लगा। सो गाइज, आज हम लोग इस ट्री पे करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है वो ड्राई हो चुका है, और इसके नीचे से ये ब्रांच निकला हुआ है। जो ड्राई ब्रांचेस है वो आज हम लोग ट्रिम करने वाले हैं। ये पूरे पेड़ में काफ़ी ज़्यादा ड्राई ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हो ये वाला भी ब्रांच ड्राई हो चुका है, इसके नीचे से ब्रांच अच्छा आया हुआ है, तो हम इसको प्रून कर देंगे, इसको यहाँ से प्रून करेंगे। सो गाइज, आज हम इस ट्री को प्रून करने के लिए थोड़े ब्रांचेस इसके थोड़े से मोटे हैं, तो आज हम लोग इसको एक कॉन्केव कटर से कट करेंगे, या तो ब्रांच कटर से इसको कट करेंगे, तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा कट करेंगे। और फाइनली मेरे पास दोनों कटर है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरे बॉन्साई अच्छे से कट कर पाएंगे। मुझे फाइनली मैं अपने बॉन्साई को बहुत अच्छे तरीके से कट कर पाऊँगा, ताकि वो बहुत जल्दी अच्छा रिकवर हो। हम कटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम उनसे कट करें तो इतना शार्प कट हो ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके ब्रांच। इसीलिए आपका टूल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास अच्छा टूल नहीं है तो आप एक अच्छा बॉन्साई आर्टिस्ट नहीं बन सकते गाइज। सो गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले ब्रांच से, ये यहाँ से ड्राई हुआ पड़ा है, ठीक है, और उसके नीचे से 2 ब्रांचेस हैं, आप अगर यहाँ से देख सकते हो। तो हम सबसे पहले इसको कट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना शार्प कट आया है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जो ये ब्रांच है, आप पत्ता हटा के देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच चुका है, बट उसके ऊपर का जो पार्ट है वो ड्राई हो चुका है, तो इसे भी हमें कट करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं हमारे ब्रांच कटर टूल से। हमने इसे भी कट कर दिया है। और गाइज, आप यहाँ पे एक ब्रांच देख सकते हो, इसके ऊपर का हिस्सा ड्राई हो चुका है, तो इसे भी हमें कट करना पड़ेगा। सो इसे मैं ब्रांच कटर से कट करूँगा।
तो ये ऑलरेडी ड्राई था, तो यहाँ से भी थोड़ा ड्राई है, कोई बात नहीं। उसके ऊपर से ब्रांच आ रहा है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। आप देख सकते हो गाइस, ये बहुत थोड़ा मोटा ब्रांच है, ये भी ड्राई है। इसके पीछे से ब्रांच है, ऊपर से नहीं है, तो हमें इसको भी चॉप करना पड़ेगा। नीचे से इसका छोटा सा शूट आ रहा है, तो हमें यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। सो हम लेते हैं कॉन्केव कटर और ट्राई करते हैं कि यहाँ से चॉप हो जाए, ठीक है, देखते हैं। गुड, बहुत ही शार्प कट आया है यहाँ से, आप देख सकते हो। वो अंदर से थोड़ा सा ड्राई हो चुका था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक ब्रांच है, इसको मैंने जब पहले कटिंग की थी तो ये थोड़ा ड्राई बैक कर गया था, तो ये ड्राई बैक का नतीजा होता है ये सब, तो कोई इशू नहीं है, हम इसे भी हटा देते हैं। इन सारी जो ऊपर आई हुई चीज़ें, हम इन सबको हम बाद में कभी फिनिशिंग दे देंगे, फ़िलहाल प्रूनिंग पे ध्यान देते हैं। ये देखिए, नीचे दो दो ब्रांचेज हैं जो ड्राई होकर पड़ी है। तो हमें इन्हें भी हटाना पड़ेगा। और उसके नीचे एक रूट है जो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है, हमें ये रूट को भी कट करके हटाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि एक अच्छा स्कार मिल सके हमें। तो रूट को सबसे पहले हटा देते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे कॉन्केव कटर से कट करेंगे, एक बहुत अच्छा स्कार मिल जाएगा हमको। आप देख सकते हो स्कार को। अब इसके ऊपर दो ड्राई ब्रांचेस है, हम इनको भी हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। वन डाउन, फिर ये दूसरा है, टू डाउन। तो आइए हम उस कार को भी अच्छे से देखते हैं। ये किसी का फेस लग रहा है, थोड़ा डरावना चलेगा। हमें इस कार से मतलब था, हमने अच्छा खासा स्कार मिल गया। सो गाइस, यहाँ पे अभी एक ब्रांच है जो ड्राई बैक कर चुका है, तो हमें इसे भी काटना पड़ेगा। उसे भी चॉप कर दिया है हमने।
गाइज दिस इज इट, ये था मेरा रेसमोसा का बॉन्साई ट्री। होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बॉन्साई ट्री कैसा लगा है, और कोई सजेशन रहेगा तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरे को कनेक्ट कर सको तो। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको क्या पसंद है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वैसा लाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, इट्स योर एबी बॉन्साई, सी यू लेटर।